सगळे महाराष्ट्र फिरायला या। जय महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिहरेश्वर। तो आज हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं हरिहरेश्वर से। हरिहरेश्वर जो कि लगभग 21 किलोमीटर है श्रीवर्धन से, और पूरा यू टर्न लेके आना होता है, अदरवाइज़ ये है बिल्कुल साइड में ही। और अब हम यहाँ चल रहे हैं, देखते हैं कि हरिहरेश्वर का बीच कैसा है, हरिहरेश्वर में मंदिर कैसे हैं, वो घूमते हैं। ये है हरिहरेश्वर का मेन रास्ता। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो हरिहरेश्वर है ये, इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। तो जो लोग एक्चुअल काशी बनारस नहीं पहुंच पाते हैं, वो दक्षिण का जो काशी है हरिहरेश्वर, इसको देख लेते हैं, तो भी उन्हें शिव जी से या मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित होता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। तो जो मंदिर है ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। ये जो पत्थर हम सामने यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, ऐसा ही नींव पेवमेंट सब चारों तरफ है, और ये पेशवा के ज़माने से लगभग 1400-1500 ईसा पूर्व, और तब से ही ये मंदिर उससे भी पुराना मंदिर है। ये है यहाँ का काशी। ये है दीप स्तंभ, जब दिवाली के समय पर यहाँ पर काफ़ी रोशनी कर दी जाती है। बड़ा ही सुंदर प्रांगण है ये मंदिर का। यह है श्री काल भैरव का मंदिर। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं श्री हरिहरेश्वर मंदिर, जो कि है शिव जी का। तो ये है यहाँ पर शिव जी का मंदिर। तो ये वाला था भैरवनाथ जी का मंदिर, और ये वाला था शिव जी का मंदिर। तो पहले हम भैरवनाथ मंदिर से अंदर जाते हैं, और दर्शन करते हुए हम लोग शिव जी के मंदिर से बाहर निकल के आते हैं। और जब शिव जी के मंदिर से बाहर निकल के आते हैं, तो फिर से एक बार हमें भैरवनाथ जी के मंदिर में जाना होता है, तभी हमारे दर्शन पूरे होते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अभी हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा। तो हरिहरेश्वर जो मंदिर है नीचे था, वो मंदिर विजिट करने के बाद फिर ये परिक्रमा मार्ग है। तो इसमें थोड़ी देर तक हम ऊपर अपहिल चलते हैं, एंड देन इट इज़ अ डाउन हिल। तो अभी ये तो खैर अपहिल चल रहा है, और फिर हम लोग नीचे की तरफ। क्या हुआ दो, पानी प्यास लग गया तुमको? पहाड़ी चढ़ते हुए मेरे दो शूरवीर, कैसा लग रहा है? लग रही है भाई। गर्मी है ना आदु, गर्म लग रहा है? जनरली गर्मी तो है, बट जैसा नॉर्मली होता है कि हम समुद्र के किनारे होते हैं, तो ब्रीज एक हवा जो है वो महसूस होती रहती है, बट जो ह्यूमिडिटी है, जो गर्मी है, वो हमेशा वो तो रहती ही रहती है। तो खैर अभी ये जो हरिहरेश्वर का बीच है, ये काफ़ी डेंजरस बीच माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग पानी में नहीं उतरते हैं, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो भी लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो भी पानी में ना जाने के ही राय देते हैं, एडवाइस करते हैं कि पानी में ना जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पानी थोड़ा अंदर की ओर खींचता है। तो जो भी होगा पानी में जाने के बाद समझ में आएगा, बट पानी में जाना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अभी हम लोग अपहिल आ चुके हैं, और अब डाउनहिल जाना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से काफ़ी नीचे है, यहाँ से समुद्र स्तर जो है वो काफ़ी नीचे है। इधर दो पहाड़ है, इसको बोला जाता है विष्णुगिरी, और इस वाले पहाड़ को बोला जाता है ब्रह्मगिरी।
और इन दोनों पहाड़ों के साथ में नीचे जा कर के है विष्णु का पैर। उन्होंने विष्णु जब यहाँ आए होंगे उन्होंने अपना पैर रखा और वो निशान पड़ गया यहाँ पर। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ से कैसा है समुद्र। पर ये वाला हम देख रहे हैं ये है विष्णुपद, विष्णु जी का पैर। वहाँ पर पांच उंगलियाँ बनी हुई हैं और ये पूरे पैर के आकार का, उसको विष्णु जी का पैर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो पानी है बहुत ही डेंजरस है। जिस तरीके का ये कर्व यहाँ पर बन गया है इसी तरीके का कर्व ही इस पहाड़ों के इन पत्थरों के नीचे भी है। अगर आप पानी में गए तो वो लहरें आपको इसके अंदर लेके जाएंगी। इसके अंदर है फ्रेश वाटर लेक। तो ये है छोटा सा कुंड यहाँ पर जिसको कहते हैं कि साफ पानी फ्रेश वाटर। काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, थोड़ा सा यूनिक सा, क्योंकि जाहिर सी बात है समुद्र की जो लहरें हैं वो बड़े मारती रहते हैं, तो मारते मारते इसके जो निशान है वो इस तरीके से पड़ जाते हैं। तो फिर हम इसे बाद में धार्मिक चीज़ों से जोड़ लेते हैं। तो ये वाला था ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पहाड़ है। इसी पहाड़ के ही चारों तरफ से हम लोग परिक्रमा करते हुए और घूमते हुए वहाँ से वापस होते हुए इसी रास्ते से और आ गए। ये था हमारा हरिहरेश्वर का टूर। तो ये हरिहरेश्वर का जो मंदिर था वो हम लोगों ने देख लिया, हरिहरेश्वर का जो बीच था वो भी लोगों ने देख लिया। और जो भी लोग आते हैं यहाँ पर वो धार्मिक स्थल या धार्मिक कारणों की वजह से आते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। हरिहरेश्वर से निकल करके आ गए हैं दिव्य आगर। इस जगह का नाम है, इस गांव का नाम है दिव्य आगर। यहाँ पर विजिट करेंगे पहले हम लोग गणेश जी का मंदिर और उसके बाद फिर चलेंगे दिव्य आगर बीच, जो कि 4 किलोमीटर लंबा बीच है वो देखा जाएगा। ये श्रीवर्धन से लगभग 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलने पर है। तो करते हैं इसको विजिट और देखते हैं ये कैसा है। ये है गणेश जी का मंदिर दिव्य आगर का। ये था मुख्य मंदिर, मुख्य गणेश मंदिर। तो इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, हम फोटो नहीं खींच सकते हैं इसके अंदर। तो जो कहानी है वो कहानी कुछ ऐसी है कि जिसमें लगभग 1000 साल पहले गणेश जी की सोने की बनी हुई मूर्ति एक बक्से में ज़मीन के अंदर गड़ी हुई मिली एक किसान को, और उस सोने की मूर्ति को यहाँ पे रख करके पूजा जाता था। सन 2012 में ये मूर्ति चोरी हो गई थी, लेकिन चोर ने उस सोने को पिघला दिया था और उस पिघले हुए सोने को पुलिस ने जब्त किया और बाद में फिर उसी सोने से दोबारा गणेश जी की मूर्ति बना करके यहाँ पर स्थापित करी गई। ये वो स्थान है जहाँ पर सोने की गणेश जी की मूर्ति उस कॉपर के डिब्बे में मिली थी। तो हम लोग अभी उस तरफ जा रहे हैं, तो इस बाग में वो मूर्ति मिली थी आज से कई सौ साल पहले। ये थी वो जगह जहाँ पर गणेश जी की सोने की मूर्ति मिली थी इस गड्ढे में, और कुछ ऐसे दिखती थी वो सोने की मूर्ति। पहले ये पूरा बगीचा हुआ करता था। हाँ, बगीचा हुआ करता था। नारियल का है ना? हाँ, नारियल या केले, नारियल का बगीचा हुआ करता था। और यहीं पे ही कुछ किसान, कुछ लेबर यहाँ पे काम कर रहे थे जिस वक्त उन्हें जमीन में गड्ढा खोदते हुए ये मूर्ति मिली थी। चलते हैं अब हम लोग रूप नारायण मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पांडव के काल का है, पांडव काल का कहा जाता है वो मंदिर।
वो मंदिर देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे बीच की तरफ। ये आ गए हम लोग रूप नारायण मंदिर। तो इस मंदिर के आर्किटेक्चर से लगता है कि ये मंदिर भी काफ़ी पुराना रहा है और समुद्र के किनारे है। तो ये है बावली, यहाँ पर स्टेपवेल, ये है रूप नारायण का मंदिर और ये है सुंदर नारायण मंदिर। ये दो मंदिर यहाँ पर हैं और इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये पांडव काल के मंदिर हैं। तो हो सकता है कि पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो इस स्थान पर, इस जगह पर रुके हों कुछ समय के लिए। बहुत ही सुंदर ये मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। सुंदर नारायण मंदिर और रूप नारायण मंदिर, दोनों मंदिर ही विष्णु भगवान को समर्पित हैं। ये है देवी आगर बोर्ड, देवी आगर का बीच। ये भी बीच काफ़ी फ्लैट है, काफ़ी लंबा, लगभग 4 किलोमीटर बड़ा बीच है ये। और यहाँ पर भी थोड़ी सी बीच एक्टिविटीज़, जैसे कि आप कैमल राइड है या अगर आप इस तरीके की गाड़ियों पे चलाना चाहें, स्टीमर या जेटी राइड लेना चाहें, वो सारी राइड्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप बस में नहीं बिठाएंगे आपको, अब आप कैसे जाओगे बस से? कौन बिठाएगा गीले बच्चे को? नमस्कार, अपन सब हैं महाराष्ट्र सिरालय। तो फाइनली लौट आए हम लोग वापस अपने रूम पर। ये था हमारा आज का दिन, अच्छा था, मज़े किए। मौसम थोड़ा सा गर्म था जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एग्जर्शन लगा, बट एनीवेज जो भी था अच्छा था। तो अपने दिन को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।